अध्यक्ष रमीज खान ने बताया कि मणिपुर जल रहा है और देश की सरकार मौन है। पिछले 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं, देश का एक प्रांत अशांत है। आगजनी, हिंसा, खून खराबा, लूटमार हो रही है। इन सब को रोकने में डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल है और जिम्मेदार है। इसी क्रम में अपराध को भी रोकने में पूरी तरह से असफल है, जिसके खिलाफ युवाओं ने भारी बारिश में आक्रोश मशाल जलाकर दर्शाया। युवा भारी संख्या में चंद्रशेखर आजाद चौराहे में मिश्रा वाले रोड की ओर हाथ में मिशाल लिए सेफ मणिपुर का नारा लगाते हुए और हाथ में यूथ कांग्रेस के झंडे के साथ पहुंचे। इस मौके पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी अजीत सिंह जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, पूर्व अध्यक्ष विनय बाकीवाल जी, शैलेश गर्ग, विधानसभा अध्यक्ष विशाल परिहार, युवा नेता हनी यादव, राज ठाकुर, शेख शकीर, कदीर पठान, निखिल वर्मा, शाकिर खान, सानू मंशूरी, नसीर आकिब अली आदि युवा कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता भारी बारिश में विरोध प्रदर्शन में उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। आज युवा कांग्रेस के माध्यम से युवाओं ने अपना आक्रोश एक ऐसी सरकार के खिलाफ व्यक्त करा है, एक ऐसी केंद्र सरकार, एक ऐसी प्रदेश की सरकार जो अपनी मस्ती में मस्त है और एक प्रदेश पिछले 4 महीने 7 दिनों से जल रहा है मणिपुर, और उस पर कोई गंभीर हमारी केंद्र सरकार नजर नहीं आती। नरेंद्र मोदी जो प्रधान सेवक बनने की बात करते हैं, नारी सुरक्षा की बात करते हैं, प्रधानमंत्री एवं इस देश के गृह मंत्री मणिपुर की सुरक्षा और वहां पे शांति स्थापित करने में फेल है। इसी आक्रोश को, जैसा कि मणिपुर जल रहा है, एक मशाल जलाकर युवाओं ने आज चंद्रशेखर आजाद चौराहे पर उन्हीं की प्रतिमा के नीचे मशाल जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया है और सेव मणिपुर के नारे लगाते हुए इस सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने की कोशिश करी है। शरीर का अगर एक अंग जख्मी हो तो पूरे शरीर के अंदर बेचैनी रहती है। आप कैसे सुकून से रह पा रहे हैं जबकि इस देश का एक अंग मणिपुर निरंतर जल रहा है, अनगिनत मौतें हो चुकी है, महिला सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी गई है और आप आज तक मणिपुर न गए हैं, ना आपने उसके लिए कुछ करा है। रमीश खान, अध्यक्ष इंदौर।